नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी स्वीट्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। भाइयों, आवारा मवेशी और जंगल की सीमा से निकलकर खेतों में आने वाले हाथी, बंदर, बाघ, नीलगाय, लकड़बग्घा और सुअर जैसे जंगली जानवर अक्सर खेत खलियान में घुस जाते हैं, जिससे आपके लिए अपनी फसल को बचाने और खेती करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये न केवल आपकी फसल को तहस नहस करते हैं बल्कि एकाएक हमला करके आपको घायल तक कर देते हैं। हमारा आज का वीडियो फसल को आवारा मवेशी और जंगली जानवर से कैसे बचाएं आपकी इसी समस्या का समाधान करता है, जिसमें आप अपनी फसल को आवारा मवेशियों और जंगली जानवरों के आतंक से बचाने के लिए प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक प्रबंधन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं प्राकृतिक प्रबंधन की। प्राकृतिक प्रबंधन, हाथी के गोबर का धुआं सुलगाने से जानवर खेत से दूर रहते हैं। मछली या लहसुन के तेल का मिश्रण खरगोश और हिरण को दूर रखता है। खेत के चारों तरफ मधुमक्खी का छत्ता लगाने से हाथियों का झुंड खेत में नहीं आता। खेत के बॉर्डर पर तीखी मिर्ची की फसल लगाने से हाथी, बंदर, गिलहरी और दूसरे जंगली जानवर नहीं आते हैं। लेवेंडर, सोयाबीन, मटर और बीन्स की फसल खरगोश के खिलाफ एक उत्तम बचाव है। अंडों की जर्दी का छिड़काव हिरण और जंगली सुअर से सुरक्षा करता है। अरंडी की गंध आवारा पशुओं को दूर रखती है, इसलिए फसल के चारों ओर अरंडी की चार मोटी पंक्तियां लगाएं। खेत के चारों ओर कांटे वाले झाड़ीदार पौधे लगाएं। खेत की मेड़ पर नारियल के पेड़ों की पंक्तियां लगाने से काफी हद तक सुरक्षा होती है। भौतिक प्रबंधन, आवारा मवेशियों और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत के चारों तरफ इन चीजों में से किसी एक का बाड़ लगाएं। लोहे के कटीले तार, पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक, मछली का जाल, इलेक्ट्रिक बाड़ की सुरक्षा दीवार, बांस के डंडे की फेंसिंग। रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक पदार्थ जैसे एंथ्राक्विनोन, बुटानाथियोल और मिथाइल एंथ्रीनेट का छिड़काव भी जंगली जानवरों को फसलों से दूर रखने में सहायक होता है। फोरेट या थायमेट ग्रैन्यूल्स की तीखी गंध जानवरों को दूर रखती है। भाइयों, इसके अलावा आप जंगली जानवरों की आहट पर सतर्क रहें, उनसे दूरी बनाएं, फसल सुरक्षा के लिए पेड़ों पर मचान बनाकर और झुंड बनाकर रखवाली करें, बच्चों को देर शाम को बाहर ना निकलने दें, जानवरों के हमले की सूचना मिलते ही शोरगुल करके उन्हें घटनास्थल से दूर खदेड़ दें, और आवारा मवेशियों व जानवरों को डराने के लिए कुत्तों का उपयोग करें। एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में जंगली जानवरों द्वारा जान माल की क्षति पहुंचने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से मुआवजा देने का भी प्रावधान है, तो आप इसका भी लाभ उठाएं। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर आपके लिए खेती की एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। कृपया सयाजी सीड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।